दोस्तों अभी के टाइम पर एयरपोर्ट में भर्ती निकल चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, आप खुद भी वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हो। मैं यहाँ पर प्रूफ देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे आई है। तो देखो आपको जो है एयरपोर्ट के अंदर जो वैकेंसी निकली है, स्टाफ में निकली है और कई कई सेक्टर में उसमें निकली है, तो मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करोगे। सबसे पहले आप समझ लो कि 10वीं पास जो है, 12वीं पास जो है, जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियर या फिर आपका जो भी एजुकेशन लेवल है 10वीं से ऊपर 10वीं तक, तो आप जो है इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। बस आपको जॉब को फिल्टर करना होगा, कैसे क्या प्रोसीजर है सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन बताने वाला हूं, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले यहां पर गूगल पे आपको आ जाना और यहां पर आपको सर्च करना है इंडिगो, INDIGO। ये देखो इंडिगो में निकला है, ठीक है ना, ये तो इतना याद रखो, इंडिगो CAR करियर्स, आपको सिंपली सर्च करना है इंडिगो करियर्स। और यहाँ पर देखो आ गया फर्स्ट पेज, यहाँ पर फर्स्ट पेज पर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखो आई अंडरस्टैंड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और नीचे आ जाओ, यहाँ पर देख सकते हो इंडिगो करियर्स में लिखा है लाइफ एट इंडिगो डिपार्टमेंट्स और इंडिगो करियर्स का इधर ऑप्शन दे के रखा है। नीचे अगर आप आओगे थोड़ा तो ये सारी डिटेल जो है इंडिगो से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर डिटेल सारी देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आ जाओ तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल दिया है, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी काम करते हैं उन लोगों ने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दे के रखा है और नीचे सारी डिटेल यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। अब यहाँ से जॉब पोर्टल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखो कई सारे पेज अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो पहले मैं आपको दे देता हूँ, ऑन एयरलाइन मिनी अपॉर्चुनिटी सर्च एंड अप्लाई के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि आप इंडिगो वाले पेज पे आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे आ जाओ, देखो सर्च बाय कीवर्ड, सर्च बाय लोकेशन, बाय लोकेशन से भी आप जॉब को सर्च कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट सर्च जॉब करता हूँ क्योंकि जितनी जॉब है मुझे सब आपकी आपको लिस्ट दिखानी है। तो नीचे अगर आप आ जाओगे तो टोटल यहाँ पर 237 जॉब है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक लाइन में जो अभी जॉब ओपन हुई है, मात्र 10 यहाँ पर जॉब ओपन हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो पेजेस दिया है, नंबर 1, 2, 3, 4, हर पेज पर जब जाओगे तो वहाँ पर 10-10 जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जरूरत है और वो भी ऑफिसर में सिक्योरिटी में जरूरत है, तो आप सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। तो हम पहला वाला आपको दिखाएंगे, लेकिन आप 10 लिस्ट यहाँ पर जो ओपन हुई है वो देख लो। दूसरी जॉब हमारी देख लो, यहाँ पर ATR सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की आवश्यकता है। थर्ड वाले में एग्जीक्यूटिव सीनियर की आवश्यकता है और तिरुपति में देखो ऑफिसर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ऑफिसर सिक्योरिटी अहमदाबाद में भी जॉब की जरूरत है, गोवा में एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। नीचे देखो ATR सीनियर फर्स्ट में ऑफिसर की आवश्यकता है, ऑफिसर सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी में ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। अब इसमें मान लो किसी में भी अगर आपको अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर एक अहमदाबाद ऑफिस सिक्योरिटी का लेते हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये जॉब 19 अक्टूबर को पोस्ट करी गई है, 19 अक्टूबर जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज ही 19 अक्टूबर है और आज के दिन ये वीडियो को शूट करा, मतलब ये जॉब को पोस्ट करा गया है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो हमने उसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट आ गई है। देखो 19 अक्टूबर को यहाँ पर पोस्ट करा गया है, लोकेशन क्या है अहमदाबाद में जरूरत है, कंपनी कौन सी है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड आपको हायर करेगी और अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो। बाकी नीचे कुछ डिटेल है जो आप पढ़ लो। रिक्रूटमेंट ड्राइव देखो 29 अगस्त 2024 को रिक्रूट ये लोग करना शुरू करेंगे, उस दिन आपको हो सकता है कॉल भी जाए, तो उससे पहले आप अप्लाई कर लेना। अगर हमारी वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप जॉब सर्च कर लेना, वहाँ पर न्यू वैकेंसी कोई ना कोई आई रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिक्रूटमेंट ड्राइव के बाद यहाँ पर देखो जॉब लोकेशन अहमदाबाद है, रोल्स क्या है ग्राउंड स्टाफ रोल्स में जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है ऑफिसर एग्जीक्यूटिव और पे रेंज क्या रहेगा 2.5 लाख से आपको 3.5 लाख आपको पर अनुअम मिलेगा, पर अनुअम मतलब कि पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ पर PM लिखा रहता है इट मीन्स पर मंथ, लेकिन ये पर PA लिखा है मतलब पर अनुअल, तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देना 2.5 लाख से 3.5 लाख आपको मिलने वाला है आपको ईयरली बेसिस पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पर क्या दिया भाई, कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए 27 होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपकी बॉडी पर कोई भी टैटू शो नहीं होना चाहिए, बॉडी पर टैटू नहीं होना चाहिए। और प्रीफर्ड लैंग्वेज क्या दिया है, कम से कम आपको फ्लुएंट इंग्लिश आपको अच्छा आना चाहिए और ग्रूम्ड जो है आपके दाढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए भाई, ग्रूम्ड होना चाहिए। थ्रिप्स इन डायनेमिक शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है। क्या क्या आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, रिज्यूम विद फोटोग्राफ, आधार पैन, पासपोर्ट, ग्रेजुएशन, देखो पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट में जा रहे हो तो भाई पासपोर्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आल्स सेमेस्टर मार्कशीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, इफ एनी देखो लिखा इफ एनी ऐसा कंपलसरी नहीं है। अ कॉपी ऑफ AEP सरेंडर टू BCAS फॉर एविएशन एक्सपीरियंस अगर है तो, रिमेंबर इंडिगो डज नॉट चार्ज एनी मनी फॉर इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट, योर ड्रीम आर करियर सीज
द अपॉर्चुनिटी। ये पहले ही बोल रहे हैं कि आपको इंडिगो कभी भी आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता है एक रुपये भी रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो आप टेंशन मत लेना कि आपको किसी को पैसे देने हैं, तो भाई ये टोटली फ्री होने वाला है। कहीं भी आपसे पैसे मांगा जा रहा है तो आप समझ लो आपके साथ कोई स्कैम होने वाला है, चाहे सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पर, चाहे डिपॉजिट करने के नाम पर, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कोई भी कहीं से चार्ज करा जा रहा है तो आपके साथ स्कैम होने वाला है, क्योंकि इंडिगो कभी भी पैसे चार्ज नहीं करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सब कुछ लिखा है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर मिशन दिया है टू सिक्योर सेफ ऑपरेशन, पंक्चुअलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टीम एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, सारे डिटेल यहाँ पर लिखा है, फोकस, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके भाई खुद से भी थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ पे इसको पढ़ लेना आप, बाकी ये सारी डिटेल दी गई है। और नीचे देखो अप्लाई करने का बटन यहाँ पर आ चुका है जो कि ऊपर भी था, तो सिंपली हम अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए देता है। अगर आपने यहाँ पर पहली बार, अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट बनाया नहीं है कभी, तो आपको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ से आपको साइन इन करना होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपको आ जाना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, रीटाइप ईमेल एड्रेस, चूज पासवर्ड आपको डालना है, वही आप ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड डालोगे वही चीज से आपको लॉगिन फिर बाद में करना होगा। नीचे देखो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम डाल सकते हो, कंट्री रीजन आप अपना कंट्री जो आपका इंडिया है तो इंडिया आप डालो, उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस आपको डालना है, मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, आपकी प्रोफाइल किसको दिखनी चाहिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनमें से, तो एनी कंपनी रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड, तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लेना कि वर्ल्ड वाइड से कोई भी आपके प्रोफाइल को देख सके ताकि आपको हायरिंग में कोई इशू ना हो। नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो यार रिट्राइव न्यू जॉब पोस्टिंग का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो, और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि आपको किसी को भी एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है जॉब से रिलेटेड, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर थोड़ी रिकॉर्डिंग इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने फोन की रिकॉर्डिंग को अभी बंद कर दिया है, एक मिनट ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको किसी को भी एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि इंडिगो ने भी यहाँ से कन्फर्म करा है कि आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग कभी भी पैसे चार्ज नहीं करते। अगर आपसे कोई चार्ज पैसे कर रहा है तो ये रिस्क आपको लेना होगा, अगर आप दे रहे हो तो भाई आपके साथ फ्रॉड या धोखाधड़ी स्कैम हो सकता है। और हम लोग जब भी वीडियो में बोलते हैं तो भाई हम लोग पहले ही क्लियर कर देते हैं, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप समझ जाओ कि आपके साथ धोखा होने वाला है, क्योंकि जॉब देने के नाम पर, रिक्रूटमेंट के नाम पर कोई आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, फ्री में जो है पैसे दी जाती है यहाँ पर, कि यहाँ तक जो एजेंसियाँ होती हैं अगर वो भी चार्ज, जैसे कोई जॉब दिलाने वाली कंपनी है तो अगर वो आपसे पैसे डिमांड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर, तो समझ लो कि वो पैसे अगर आप वो उन्हें नहीं दोगे तो भी चलता है, ठीक है। और वो बिना पैसे के भी आपको जॉब पर लगा देगी, क्यों? क्योंकि उन्हें जो पैसे मिलता है भाई वो जिस कंपनी में आपको लगाएंगे कंपनी की तरफ से उन्हें पैसे मिलता है, तो इसलिए वो कुछ लोग सोचते हैं कुछ एजेंसियाँ, चलो भाई मैं कस्टमर से भी ले लेता हूँ और जो कंपनी उससे भी ले लूँगा, मतलब दोनों तरफ से पैसे कमा लूँगा, तो भाई ये फंडा लगाते हैं कि दोनों तरफ से उन्हें प्रॉफिट हो जाए। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है भाई आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन आपको जॉब नहीं दिलाएंगे, इसलिए जॉब में पैसे देने से बचे आप, ठीक है। कहीं भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं, आप खुद से अप्लाई करो, कहीं भी रिक्रूटमेंट का पैसे नहीं लगता, जो कि इंडिगो ने पहले ही कंप्लीट बोल दिया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताओ, हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।